कोरोना संक्रमण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम बैठक, केंद्रीय मंत्री समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद। 5 राज्यों में कोरोना के बढ़ते हुए मामले को लेकर मंथन, प्रधानमंत्री ने हालात और रणनीति पर किया विचार। बैठक में कोरोना से निपटने के हालात और अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड और आइसोलेशन वार्ड पर मांगी रिपोर्ट। दिल्ली के हालात पर प्रधानमंत्री ने कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अहम बैठक करने का निर्देश दिया। केजरीवाल और एलजी भी रहेंगे मौजूद। आज सुबह 11 बजे होगी समीक्षा बैठक, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन समेत कई अधिकारी भी रहेंगे शामिल। शाम 5 बजे अमित शाह की दूसरी बैठक, दिल्ली के सारे मेयर के अलावा आला अधिकारी और नेता भी होंगे शामिल। कोरोना के बढ़ते केस के बीच प्रधानमंत्री मोदी फिर करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ बात, 16 और 17 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी चर्चा। देश में कोरोना की रफ्तार हुई बेकाबू, 3 लाख के पार पहुंचा कोरोना नेगेटिव मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में देश में कोरोना के मरीजों में बड़ा उछाल, 11,458 नए मरीजों की हुई पहचान। 24 घंटे में कोरोना की वजह से 386 मरीजों की गई जान, अब तक करीब 9,000 लोगों की बारह से मौत। सीमा को लेकर नेपाल की गुस्ताखी जारी, संसद में पास हुए विवादित नक्शे का बिल। नेपाल ने देश के 3 इलाकों को नक्शे में बताया अपना, संसद में बिल के पक्ष में 258 वोट पड़े। संसद में नेपाल सरकार के दावे की खुली पोल, नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री ने विवादित नक्शे को बताया संधि का उल्लंघन। नेपाल की हरकत पर भारत का सख्त एतराज, कहा तथ्य और इतिहास के आधार पर दावे में कोई दम नहीं। नेपाल संसद के बाहर निकाली सांसद सरिता गिरी की चेतावनी, नेपाल की हालत पूर्वी पाकिस्तान जैसी न हो। भारत के दबाव बनाने के बाद नेपाल ने 55 साल के भारतीय नागरिक को किया रिहा, शरीर पर दिखे बर्बरता के निशान। अगवा हुए भारतीय ने किया खुलासा, जबरन उठा ले गए थे नेपाली सैनिक, मन चाह बयान देने की थी मारपीट। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे कर्नाटक से के लोगों के साथ जनसंवाद, वर्चुअल रैली के जरिए कार्यकर्ताओं और लोगों से होंगी बातचीत। कोरोना काल में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज गुजरात से करेंगे जनसंवाद, वर्चुअल रैली से होगा गडकरी का संबोधन।